खुद शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टेप्स पे जाके। नीचे नहीं जाऊँगा बीच पे, बिकॉज मैं राइडिंग बूट पहना है तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप खड़े होके ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और बीच के मनोरम दृश्य का भी। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ सोलो, अकेला जा रहा हूँ श्रीवर्धन बीच। श्रीवर्धन बीच के बाद अरबी बीच भी है पास में, वहाँ से आई थिंक 6 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ भी जाने का प्लान है अगर टाइम अलाउ किया तो। तो अभी मैं तामिनी घाट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो तामिनी घाट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दो वीक पहले सेम रूट से रायगढ़ फोर्ट गया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेकआउट। सो दोस्तों अभी तामिनी घाट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा मैंने बोला, ये सोलो ट्रिप है, वन डे ट्रिप, आज ही जाके आज ही वापस आऊँगा। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम माय होम इट्स 173 किलोमीटर टू श्रीवर्धन बीच। तो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था एक रील में कि जब आप सोलो राइड पे जाते हैं तो आपको सेल्फ एनालिसिस का टाइम मिलता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं 3-4 घंटे के लिए। तो आई एम फीलिंग हुएवर क्रिएटेड दैट रील, ही और शी वॉज करेक्ट। तो आपको सोलो राइड पे जाना चाहिए। जब मैं संदीप के साथ जाता हूँ या फिर ग्रुप में जाता हूँ तो मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन सोलो ट्रिप पे कोई होता ही नहीं, आपसे बात करने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार जो आपके लाइफ में होते हैं वो उसका एनालिसिस चलता रहता है, क्योंकि दिमाग तो खाली बैठने वाला है नहीं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ और बॉलीवुड रेट्रो सॉन्ग्स सुनते हुए जा रहा हूँ, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले। एंड स्टेडी स्पीड 70-80 किलोमीटर पर आवर, नॉट मोर देन दैट। ओकेजनली कभी ऐसा लॉन्ग स्ट्रेच मिला तो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ स्पीड, बट एवरेज स्पीड इज 70-80 अप्रॉक्स। सो आपके पास अगर बाइक नहीं है, आपके पास एक्टिवा है या स्कूटी है, सो कोई टेंशन नहीं। या आप ये देखिए, अभी एक्टिवा पे थे ये लोग, तो बहुत सारे लोग एक्टिवा पे दिखते हैं, स्कूटी पे दिखते हैं। तो बाइक का ना होना एक बहाना है। तो इंतज़ार मत कीजिए, आज ही निकल पड़िए। और एक्चुअली आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंड नहीं आ रहा या फिर कोई नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होता है। नथिंग हैपन्स इफ़ यू आर केयरफुल इन ड्राइविंग एंड थोड़े माइंडफुल रहिए रोड पे, बाकी कुछ भी नहीं। तामिनी घाट का जो ब्यूटी है वो मैंने रायगढ़ फोर्ट वाले ब्लॉग में कवर किया है, सो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो, यू कैन फाइंड द लिंक। सो ये रूट पे कभी धूप, कभी छांव, कभी घाट। ये देखिए लोग शूटिंग करते हुए, ये देखिए जंगलों के बीच जो धूप छन छन के आ रही है वो सीनरीज को कितना खुशनुमा बना रही है। सो आगे एक स्पॉट आने वाला है,
जहाँ पे कुंडलिका वैली का व्यू दिखता है। कुंडलिका वैली तमनी घाट में एक हेवनली स्पॉट है जहाँ पे लोग हर मौसम में जाते हैं। तो आज मैं वो कवर नहीं करने वाला हूँ, बट जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर तमनी घाट, यू कैन सर्च फॉर कुंडलिका वैली। ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। वो स्पॉट पे जहाँ जो मैं बोल रहा था, ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, मानसून में सबसे पानी गिरता रहता है और एकदम वाटरफॉल का मतलब स्मॉल वाटरफॉल जैसा बना होता है। ये जो मेरे राइट में देख रहे हैं, ये बहुत ही सीनिक होता है। अभी राइट साइड में जो स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे मैं रुकूंगा अभी 2 मिनट्स के लिए। ये स्पॉट मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज़ अ स्पॉट। तो दोस्तों ये तमनी घाट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी आगे मानगांव जाऊँगा मैं। आगे जो एक टी सेक्शन आता है वहाँ से लेफ्ट मारूँगा। देख रहे हैं कितनी सारी कार्स हैं। ऑल दीज आर टूरिस्ट बेसिकली। कुछ तमनी घाट आए हैं, कुछ आगे जाएंगे। तो रायगढ़ फोर्ट एंड कुंभे वाटरफॉल के लिए यहाँ से लिफ्ट लेना पड़ता है। अगर आपने मेरा कुंभे वाटरफॉल का व्लॉग नहीं देखा है देन मैं लिंक डाल दूँगा, एंड रायगढ़ फोर्ट का भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये जो आगे एक लेफ्ट टर्न देख रहे हैं जहाँ से एक बाइक निकली रायगढ़ फोर्ट के लिए एंड कुंभे वाटरफॉल के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ता है यहाँ से जो अभी पीछे गया। सो यहाँ से हम आगे मानगांव जाएंगे एंड मानगांव से फिर श्रीवर्धन की ओर जाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video and subscribe my channel ASP_vlogs007। so दोस्तों हम आ गए हैं मानगांव। अभी मानगांव का जो चौक आएगा वहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। आप अगर मानगांव से राइट मारते हैं देन आप पाली होते हुए लोनावला जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ आने का दो रूट है, एक तमनी घाट होके और दूसरा है लोनावला से। तो लोनावला से जब आएंगे तो आपको मानगांव फिर भी लगेगा, बट आप अभी आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ से मैं लेफ्ट मारूंगा वहाँ पे आप आके मिलेंगे अगर आप लोनावला से आते हैं वाया पाली। ये देखिए, ये जो आप सामने एक रोड देख रहे हैं हाईवे, ये राइट मारेंगे तो आप पाली होते हुए लोनावला जा सकते हैं। मुझे लेना है लेफ्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग मैं मानगांव से श्रीवर्धन बीच की तरफ ऑन द रूट हूँ। मानगांव क्रॉस किया और अभी मानगांव से श्रीवर्धन, ये रूट पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो में। रोड साफ सुपर, ये बेसिकली सीमेंट का रोड है। तो दोस्तों श्रीवर्धन यहाँ से अभी दिखा रहा है 13 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स आधे घंटे मैक्सिमम
लगेंगे वहाँ पहुँचने में। रोड जो है टिल नाउ अभी तक कुछ भी बुरा रोड नहीं मिला, बुरा पैच नहीं मिला। सो टिल तामिनीघाट से लेके मानगांव, मानगांव से लेके अभी तक रोड सब सुपर्ब। मानगांव से बहुत दूर श्रीवर्धन के रूट तक में सीमेंट का रोड था एंड आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर बैक ये टर्मैक का रोड चालू हुआ फिर से। रोड तो रोड की तो तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार बना रखा है। और यहाँ का जो वाइब है, वाइब यहाँ पे देख के ऐसा फील आ रहा है कि मैं सी के पास में हूँ। दोस्तों यहाँ से ये टी सेक्शन है, यहाँ से राइट या तो श्रीवर्धन और लेफ्ट या तो हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर यहाँ से दिखा रहा है 18 किलोमीटर, तो आज हरिहरेश्वर नहीं जा रहा हूँ मैं, आज जो श्रीवर्धन और हरवि बीच को कवर करने का प्लान है। सो श्रीवर्धन बीच पे जाने के लिए आपको ये यूजुअली यहाँ पे जितने भी अलीबाग या फिर हरिहरेश्वर या फिर जो भी आप बीच ले लीजिए उस पर बीच तक जाने का रास्ता ऐसा ही है, नैरो है, दो कार पास हो सकते हैं पैरेलली। देवीगढ़ बीच गया था या फिर नागांव गया था तो वहाँ भी ऐसा ही था, नागांव में तो शायद इससे भी छोटा था। तो दोस्तों यह है श्रीवर्धन बीच का पार्किंग लगता है, यहाँ पे बहुत सारी कार पार्क्ड हैं, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों हम बीच पे आ गए, बाइक यहीं पे कहीं लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं श्रीवर्धन बीच। ये देखिए श्रीवर्धन बीच का बैकग्राउंड देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, यहां पे आप देखेंगे तो बैठने की व्यवस्था है पूरी, मतलब जितनी दूर तक देख सकते हैं पूरा वहां तक चेयर्स लगे हुए हैं और शानदार व्यवस्था है यहाँ का, मतलब अरेंजमेंट देख के आप खुश हो जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट अभी अपना सामान रखा है, ये पूरा ये फ्लोरिंग किया गया है। शाम में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि लैंप्स लगे हैं और बीच के किनारे आप ऐसे बैठे हों चेयर पे आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। यू कैन इमेजिन हाउ इट विल फील। देखिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, ऐसी व्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं किसी बीच पे, इट्स ऑसम। और बीच पे गंदगी ना हो इसके लिए देखिए इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, जगह जगह पे ऑलमोस्ट हर 30 मीटर पे अप्रॉक्स इन्होंने कचरे का डब्बा लगाया है सो दैट आप वेस्ट को जगह जगह ना फेंकें। तो बहुत ही शानदार लगा मुझे ये बीच, और ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पे इवन दाउ इट्स अ सैटरडे। और यहाँ पे देखिए आप, ये एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह लोग आते रहेंगे, इससे एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे मशीन्स लगाए गए हैं। इसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं श्रीवर्धन का। दोस्तों देखिए अभी मैं जा रहा हूँ सामने, सामने एक बैठने का अरेंजमेंट है, एक अच्छा खासा दिख रहा है स्ट्रक्चर, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ वहाँ से कैसा दिखता है।
बाकी ये बीच मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ का अरेंजमेंट शानदार है। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_blog007। तो ये देखिए दोस्तों, जगह जगह पे ऐसा बना हुआ है, कभी आप आए मानसून में, कोई बारिश भी हो रही है तो यू कैन आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी धूप है तो मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये ऐसा नहीं कि एक ही बना हुआ है, ऐसा ऑलमोस्ट हर फिक्स डिस्टेंस पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। एंड बिग थिंग इज़ दैट इट्स वेल मेंटेन। यहाँ की पब्लिक को भी सैल्यूट करना चाहिए, जो यहाँ की लोकलाइट है वो मैंने मतलब गवर्नमेंट तो वैसे फैसिलिटीज़ बनाती है बट लोग उसका मतलब दुरुपयोग करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है जो लोकलाइट हैं, जो इन्होंने पूरा वेल मेंटेन रखा है टूरिस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक मछुआरा है और उसकी फैमिली, वो साथ में जाल फेंक रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बोट के ऊपर, शानदार ऑसम। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके ठीक सामने बीच है और ये स्ट्रक्चर जहाँ पे आप खड़े होकर बीच का आनंद ले सकते हैं। हम जाएंगे वहाँ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप खड़े होके ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और बीच के मनोरम दृश्य का भी। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके उस साइड हरिहरेश्वर है एंड इसके ठीक अपोजिट आरवी बीच है, एंड आप अगर और आगे जाएंगे देन दिबेगढ़ बीच आएगा। तो हम लोग दिबेगढ़ और हरिहरेश्वर के बीच में आता है श्रीवर्धन। एकदम ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और ज़्यादा लोग भी नहीं है इस बीच पे। एंड बिग थिंग इज़ दैट वाटर स्पोर्ट्स भी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही साफ़ और सुंदर बीच है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो इसको ऐसा ही मेंटेन रहने दें, आप भी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। ये मैं कुछ शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टेप पे जाके नीचे नहीं जाऊँगा बीच पे, बिकॉज मैं राइडिंग बूट पहना है तो मुझे प्रॉब्लम होगा। दोस्तों ये था श्रीवर्धन बीच, बहुत ही साफ़ सुथरा बीच और बहुत अरेंजमेंट अच्छा है। बीच के आसपास में अप्रॉक्स 25-30 कार पार्क हो सकती हैं, डेडिकेटेड वॉशरूम है एंड बाकी तो आप वीडियो में देख ही लिए होंगे या देख रहे होंगे। तो अभी प्लान ये है कि अरवी बीच दिखा रहा है यहाँ से आधा घंटा, 12 किलोमीटर, तो मैं सोच रहा हूँ आया हूँ तो कवर कर ही लूँ। अभी जा रहा हूँ अरबी बीच। ये अरबी बीच का प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, या तो अरबी होगा या फिर अरबी होगा, इट्स स्पेलिंग इज ARABI। तो इफ यू आर नोन टू दिस प्लेस एंड आपको लग रहा है कि मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो अपोलोजाइज फॉर दैट। सो देखिए दोस्तों, ये अरबी बीच का किनारा आ गया है और यहाँ का जो रोड है ये समुद्र के किनारे 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 जाता है,
बहुत शानदार दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये है अरबी बीच। मैंने गूगल में पढ़ा था यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, बट है यहाँ पे थोड़े बहुत। सी गाइस, वाव, सो नाइस। ये एक ऐसा छोटा सा पैच है, तो लेफ्ट साइड में समुद्र है और राइट साइड में ये रोड। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने हेलमेट का वाइजर बंद किया तो नॉइज आ रहा होगा। सो ये देखिए दोस्तों, वाटर लोकेशन, दिस इज अरबी बीच। श्रीवर्धन बीच से 12 किलोमीटर पे है ये अरबी बीच टुवार्ड्स देवेगढ़। तो आप अगर देवेगढ़ से आएंगे तो अरबी बीच पहले आएगा, देन श्रीवर्धन। एक व्यू पॉइंट है यहाँ से, क्या शानदार लोकेशन है, शानदार मस्त। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। एकदम मस्त लोकेशन, शानदार। तो देखिए दोस्तों, ये है व्यू पॉइंट अरबी बीच का। ये दोस्तों वो साइड से रास्ता है और ये बीच के ऊपर का पार्ट है। मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ, ये अरबी बीच व्यू पॉइंट। मैं आपका लोकेशन मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कम हेयर सी हाउ ऑसम इट इज़। तो दोस्तों ये था श्रीवर्धन बीच के बाद ये अरबी बीच का व्यू पॉइंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_blog007। थैंक्स फॉर वाचिंग। Hey kid.